लॉकडाउन होने से पारशिवनी शहर में शनिवार के सुबह से ही शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पारशिवनी शहर की सभी दुकानें बंद थी। वहीं किराना बाजार भी पूरी तरह बंद था। सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। रोजमर्रा की तरह लोगों की भीड़ भी शनिवार को बाजारों में नदारद थी। वहीं लोगों ने घर से बाहर न निकलते हुए घरों में ही रहना पसंद किया। पारशिवनी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, महात्मा गांधी चौक, जो सदा यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी, वहाँ पर शनिवार की सुबह से सन्नाटा छाया रहा। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए। शासन के आदेश का पालन करते हुए यहाँ के सभी दुकानदारों ने बंद किए दिए। वही आवश्यक सेवा होने से दवाई की दुकानें खुली थी। चाय टपरी, पान ठेला, किराना दुकान, हार्डवेयर, जनरल स्टोर, होटल और सभी दुकानें पूरी तरह बंद होने से लॉकडाउन का पालन करने में नगर वासियों ने सहयोग किया। रामटेक रोड, सावनेर रोड पर वाहनों की आवाजाही भी नदारत रही। वहीं अस्पताल और दवाई की दुकानों के सिवा बाजार पूरी तरह बंद था। विशेष बात की अत्यावश्यक सेवा होते हुए भी लॉकडाउन का पालन करते हुए किराना व्यापारी एसोसिएशन की ओर से शनिवार को पारशिवनी का किराना बाजार बंद रखने को भी शनिवार पालन करने से बाजारों में किराना दुकान सुबह से ही नहीं खुली, जिसका लॉकडाउन को फायदा होते हुए लोग घरों के बाहर खरीदारी करने नहीं निकले। वहीं बाजारों में पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करने में पारशिवनी शहर पूरी तरह सफल होता दिखाई दिया। वहीं आवाजाही में भी भारी कमी दिखाई देने से रास्तों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सवारी ऑटो के पहिए जाके वहां थम गए थे। जो जरूरी अति आवश्यक चीजें ही खरीदी के लिए इक्का दुक्का ही लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। लॉकडाउन की पूरी तरह पालन से प्रशासन को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वहीं पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े सुबह से ही पेट्रोलिंग पर शहर के सभी लोगों में दौरा मुआवना करते नजर आए। लोगों से घर में ही रहने का आह्वान करते नजर आए। वहीं नियमों का पालन करने की अपील कर रहे थे। नगर पंचायत मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी ने नगर वासियों को पहले ही लॉकडाउन का पालन करने की अपील की थी और नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी दी थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन की पूरी तरह दुकानदारों के साथ नागरिकों ने पालन करके सहयोग किया। साथ ही लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी, नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर पंचायत कर्मचारी सुबह से ही शहर में नजर बनाए हुए थे। पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े ने शहरवासियों के लॉकडाउन में सहयोग करने पर समाधान व्यक्त किया। सभी दुकानदारों की भी तारीफ करते हुए इसी तरह सहयोग की अपील की। वहीं शनिवार रविवार को धोगरा महादेव देवस्थान में पेंच नदी पर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है, पर लॉकडाउन होने से शनिवार को यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होने से यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। अधिकारियों ने पहले ही हिदायत दी थी कि यहाँ पर भी नागरिक पर्यटन के लिए न आए तथा वहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होने से धोगरा देवस्थान परिसर भी लॉकडाउन के असर दिखाई दिया। मुख्य अधिकारी अर्चना वंजारी ने भी शहर में कोरोना वायरस ना फैले इसलिए कदम उठाए हैं। वहीं लोगों से बार बार अपील करते हुए नियमों का पालन करने की सलाह दी ताकि कतई भी कोरोना वायरस से संक्रमित न हो। पारशिवनी शहर कोरोना मुक्त रहे इसलिए बड़े पैमाने पर नियमों का पालन करने की जरूरत है, जो अपने परिवार तथा नगर के लिए लाभदायक होने में कारगर साबित हो सके। शनिवार को लॉकडाउन होने से किराना दुकान बंद होने से शहर में लॉकडाउन देखा गया। इसी तरह नगर वासियों की सहयोग तथा दुकानदारों का सहयोग आने वाले शनिवार और रविवार को भी मिलने की संभावना मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी ने जाहिर की। महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र मध्ये कोरोना फैलू नये याकरिता शनिवार आणि रविवार या दिवशी लॉकडाऊन जाहीर केलं होतं। त्या अनुषंगाने पारशिवनीमध्ये सुद्धा या लॉकडाऊनचं परिपूर्ण पालन करण्यात आलं आहे आणि सकाळपासूनच या शहरातील एकही दुकान उघडलेलं नाही। लहान मोठ्या दुकानांसह पानटेले, चाय टपरी व इतर दुकाने ही बंद होती। त्याच अनुषंगाने आज पारशिवनीमध्ये किराणा दुकान व्यापारी संघटनेसुद्धा आपली दुकाने बंद करून या लॉकडाऊनमध्ये सहयोग केला आणि परिपूर्ण लॉकडाऊनचं पालन करीत पारशिवनीकरांनी खरं दाखवून दिलं की या बिमारीसाठी आम्ही सुद्धा तत्पर आहोत, आम्ही सुद्धा या बिमारीला पळवण्यात सहकार्य करतो आहे। त्यामुळे आज पारशिवनीमध्ये परिपूर्ण असा बंद पाळण्यात आला आणि कुठल्याही प्रकारची वाहतूक अशी दिसून आली नाही, तर लोकही सुद्धा रस्त्यावर आलेले नाही, तर घोगरा देवस्थान सुद्धा आज पूर्णपणे निर्मनुष्य अशा प्रकारचं ते दिसून आलं। तिथे कुठलाही पर्यटक किंवा भक्त आलेले नव्हते आणि तिथेसुद्धा गर्दी होती नाही, पारशिवसुद्धा गर्दी नाही आणि त्यामुळे ही लॉकडाऊन पारशिवनीत सफल झालं असं म्हणावं लागेल। त्याचप्रमाणे मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी आणि पोलीस निरीक्षक संतोष वैरागडे
ज्यांनी ही व्यवस्था चोखपणे बजावली त्यामुळे आज हा लॉकडाऊन पार्श्वनीत यशस्वी झाला असं म्हणता येईल. मी रुपेश कंडारे, BCN न्यूज, पार्श्वनी. BCN न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट.